दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक फिर से अपडेट के विषय में। मैं राशन कार्ड से रिलेटेड 2 दिन से लगातार वीडियो बना रहा हूं। आपको पता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप राशन कार्ड अभी तक डाउनलोड कर पाते थे, लेकिन अब सरकार ने इसका नियम बदल दिया है, नया तरीका अपना दिया है। सबसे पहले तो राशन कार्ड नंबर हाइड कर दिए हैं, जैसे कि पहले आप देखते थे वेबसाइट पर जाते थे fcsup.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर राशन कार्ड नंबर फाइंड आउट कर लेते थे, वहीं से डाउनलोड कर लेते थे, बट सारे तरीके खत्म कर दिए गए हैं। अगर आप अब पुराने मेथड के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वहां पर राशन कार्ड नंबर भी अब क्रॉस में बनकर आ रहे हैं, मतलब हाइड होकर आ रहे हैं, आप नहीं देख पाएंगे, और डाउनलोड करने का ऑप्शन भी हटा दिया गया है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि आप कैसे अपने राशन कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि मैंने डाउनलोड करने का तरीका कल भी बताया था, बट वो उसमें आपको राशन कार्ड नंबर पता होना चाहिए और आपके राशन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप उस तरीके से राशन कार्ड नंबर को डाउनलोड कर सकते हैं। बट जो आज मैं तरीका लाया हूं, सबसे पहले जो चैलेंज है अपने सामने, राशन कार्ड नंबर पता करना कि आपका राशन कार्ड नंबर क्या है, और अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो आप पता नहीं कर पाएंगे। तो मैं मेथड लाया हूं, आपका मोबाइल नंबर लिंक हो या ना हो, केवल आधार कार्ड से आप अपना राशन कार्ड नंबर जान सकते हैं। अगर आपके फैमिली में 5 लोग रजिस्टर्ड थे राशन कार्ड में, किसी एक का भी अगर आपको आधार कार्ड नंबर पता है तो बिना ओटीपी के आप राशन कार्ड नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे। जब आपको राशन कार्ड नंबर मिल जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप अपनी पर्ची भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज हम जानेंगे कैसे आप राशन कार्ड नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे बिना ओटीपी, केवल आधार कार्ड नंबर से। पूरा प्रोसीजर बताएंगे, तो बने रहिए लगातार। मैं हूं पुंछ आगर और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो पूरा मेथड बताने के लिए मैं आपको ले चलूंगा आज अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन पर आ जाना है और इसके बाद प्ले स्टोर ओपन करना है। इसके बाद आपको यहां पर लिखना है मेरा राशन। इतना लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे तो नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर FCA का ऑफिशियल वेबसाइट वन नेशन वन राशन कार्ड वाला आएगा, यहाँ पर इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये एप्लीकेशन दोस्तों भारत सरकार के द्वारा रन किया जाता है, तो इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए मेरा डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है, और ये देखिए इंस्टॉल भी हो चुका है मेरे पे। अब मैं इसे ओपन करूँगा, कुछ परमिशन मांगेगा तो आपको अलाउ करना है, और अलाउ करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये सारा इंटरफेस दिखेगा। आप लोकेशन मांगेगा, ये भी आपको अलाउ कर देना है। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं आज अपने राशन कार्ड नंबर को कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जो पुराना तरीका था वहाँ से राशन कार्ड दिखने बंद हो गए, नंबर दिखने बंद हो गए हैं। तो अब आप केवल आधार कार्ड नंबर से ही राशन कार्ड नंबर अपने फाइंड आउट कर पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आपका आधार वहाँ पर किसी भी फैमिली के आधार से, जरूरी नहीं कि हेड ऑफ फैमिली का ही आधार कार्ड आपको पता हो, जितने भी सदस्य हैं आपके घर में राशन कार्ड में ऐड थे उनमें से किसी का भी आप आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। तो इसके लिए आधार सीडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, राशन कार्ड नंबर के द्वारा या आधार संख्या के द्वारा। तो हमें राशन कार्ड नंबर खुद ही निकालना, मुझे पता नहीं है, तो पहला ऑप्शन छोड़ देंगे, दूसरा आधार संख्या वाले पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको मेंबर में जितने भी मेंबर आपके घर में किसी का भी आधार कार्ड आपको यहाँ पर इंटर करके सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही ये देखिएगा आपका पूरा डिटेल यहाँ खुलकर आ जाएगा, मूल राज्य आपका लिख जाएगा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मूल जिला, योजना क्या है, राशन कार्ड नंबर चौथे नंबर पर आपको लिखा दिखेगा, मैंने चीज़ें हाइड कर रखी हैं, दुकान संख्या भी दिखेगी, और इसके बाद जितने भी सदस्य इस राशन कार्ड में आपके हैं उन सभी सदस्यों का विवरण भी नीचे दिखेगा, और आधार सीडिंग अगर सभी के होंगे तो सवाल में यस यस लिखा आएगा। तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से अपना राशन कार्ड संख्या डाउनलोड कर सकते हैं या पता कर सकते हैं। अब राशन कार्ड संख्या पता करने के बाद आप चाहते हैं कि पर्ची कैसे निकाले, क्योंकि वहां से पर्ची निकलना बंद हो गया है, और मैंने एक कल और मेथड बताया था ओटीपी के माध्यम से पर्ची निकल रही थी, लेकिन उसमें मैंडेटरी था कि आपके राशन कार्ड में आपका आधार नंबर लिंक होना चाहिए, बट बहुत से लोगों के नहीं है। मैं जल्द आपको बताऊंगा कि राशन कार्ड में आप मोबाइल नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिना ओटीपी के भी आप पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा और आपको बिना ओटीपी के माध्यम से राशन कार्ड पर्ची जो होती है डाउनलोड करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अब आपको राशन कार्ड नंबर पता चल गया है, कैसे आप राशन कार्ड या वो पर्ची डाउनलोड कर पाएंगे।
तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, आप हमें अपना प्यार जरूर देते रहें। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं लगातार अपडेट देता रहता हूं, अब जल्द ही आपको कल या आज में ही हो सकता है आपको फिर से वीडियो दे दूं कि कैसे आप राशन कार्ड नंबर से पर्ची डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि पुराना मेथड बंद हो चुका है नए मेथड के अकॉर्डिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।